सचिन, रात में क्या हुआ था? सर, मैं रात में खाना खा के वापस लौटा था तो देखा कि कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, और मैंने उन बच्चों से पूछा तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि विधायक के प्रतिनिधि ने विधायक लोग आए हैं और मेडिकल में उन्होंने प्रिंसिपल साहब को मार दिया है या धक्का दे दिया है, इसी पे बच्चे बवाल कर रहे थे। तो मैं इमरजेंसी गेट पर आया तो कुछ हमारे इस मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर खड़े थे, उन्होंने बच्चों को समझाया, बच्चे नहीं माने। इसके बाद उन्होंने उत्पात शुरू कर दिया कि हमारे डॉक्टर साहब को क्यों मारे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब को क्यों मारे हैं। इन्हीं में बच्चों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद उधर विधायक की भी तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ, और इसके बाद पूरी गाड़ी तोड़ना लगे, और इसके बाद कुछ पुलिस आए, वो भी नहीं संभाल पाए, इसके बाद पूरी गाड़ी फूंक दी गई। आप यहाँ पे कैसे आए हो? आप यहाँ पे, आपके कोई परिजन किसने चलाई थी? सर, गोली नहीं बता सकते, सिर्फ आवाज़ देखे थे क्योंकि हम ऊपर सर भाग गए थे। अंबेडकर नगर जिले में देर रात इसी राजकीय महामाया मेडिकल कॉलेज में जमकर उत्पात हुआ था, और साथ में यहां पर इस समय ये गाड़ियां जो जली हैं, एक गाड़ी, दो गाड़ी और एक और गाड़ी है, तीन गाड़ियों को जो है यहां पर जो छात्र हैं उन्होंने आग के हवाले कर दिया गया था। साथ में ये भी आरोप लगाया गया है इस समय कि जो रात में यहाँ पर विधायक के प्रतिनिधि ने यहाँ पर प्रिंसिपल को बंधक बनाया और कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसमें एक फायरिंग भी हुई थी, और एक यहाँ पर कर्मचारी घायल है जिसको कंधे पर गोली लगी है, उसको अस्पताल फिलहाल इलाज के लिए कर दिया गया है। फिलहाल ये रात में जो घटना हुई थी उसका ये इस समय सवेरे नज़ारा है। हालांकि इस समय जो विधायक के प्रतिनिधि हैं उनको पुलिस लाइन में रखा गया है, तहरीर उनकी तरफ से भी दी जा रही है, और विधायक प्रतिनिधि के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ अभी सुनने में ये आ रहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंकज मिश्रा, ETV भारत, अम्बेडकर नगर।